नहीं, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड दो चीज़ों की वजह से, एक होली और दूसरी दिल जंगली। और दोनों चीज़ में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि दोनों बहुत जंगली चीज़ें, हमारी पिक्चर भी बहुत जंगली है और ये फेस्टिवल भी बहुत जंगली होता है। तो हम अपनी जंगली डायरेक्टर से मिलते हैं, जोरदार तालियां आलिया जंगली सेन के लिए। आलिया, ये जो आपकी पिक्चर है दिल जंगली, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं, आप बताना चाहती हैं अपने दर्शकों को जो न्यूज़ हेल्पलाइन देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, नहीं नहीं माइक मैं ही पकड़ूंगा ज्यादा ना, हेलो हेलो संभाल के, जितना ढील दे रहा हूँ उतना ही। हाँ बीच में रखो। तो दिल जंगली जो है ना, वो उसके पीछे द मीनिंग ऑफ इट इज दैट जब आपका जब व्हेन यू आर इन लव नो, सो दैट इज़ व्हेन जब आपका दिल सबसे ज़्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर जाके चीज़ें करता है, जंगली होता है, एंड दैट इज़ व्हाट दिल जंगली इज़ एक्चुअली अबाउट, दैट व्हेन यू आर इन लव यू आर रियली वाइल्ड। तो हम चलते हैं अपने दूसरे मित्र के पास जिनका नाम है संतोष वर्मोला। संतोष जी, ये आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जंगली फिल्म के पीछे? पहले तो मैं ये बोलता हूँ, मुझे नहीं पता था ये इतना डीप मीनिंग है इसके पीछे। नहीं, क्या बोला था आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जंगली फिल्म जब आप बनाने गए, ये दिल जंगली पिक्चर आपने की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए अगर आप बताना चाहते हैं तो। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं एक्चुअली इट्स नॉट एवरी डे थिंग फॉर मी, सो फॉर पीपल हु डोंट नो दिस ही इज़ अ वेरी गुड आर्किटेक्ट एज वेल। क्रिएटिवली आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट और बहुत मज़ा आया शूट करके, सब जंगली, एंड मेरा एक्चुअली कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा हटके है बाकी जंगलियों से, ऐसे ही है। आपको इंटरव्यू इसके क्वेश्चन आंसर ऑप्शनल होते हैं, खाना खाएगा हाँ, तेरे को खाना अच्छा लगा हाँ, और खाएगा नहीं, बस ऑप्शनल टिक। हमारे बीच एक जानी मानी हस्ती है, तापसी। तापसी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के पीछे? मेरे को बड़ा अच्छा लगा और इसमें जो है बड़े सारे एक्टर हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी रोल थी और जिसमें मेन हीरो है अभिलाष थपलियाल, बड़ा अच्छा एक्टर है। जो लोग पहचान नहीं पाए ये तापसी नहीं है, ये तापसी ऐसी गंदी बातें कभी नहीं करेगी। मैंने अपर लिप नहीं करवाए। तो आलिया, आपने ये जो इतनी ऑन द कास्ट जो चुनी है, ऑन द, और आप इतनी कमसिन कली जो है, आपने खुद ही बोला ये कमसिल, कमसिल बोला, कमसिल नहीं कमसिल, तो आप क्या क्या सोचा आपने जब आपने संतोष का कैरेक्टर लिखा या अभिलाष का कैरेक्टर लिखा या मेरा सुमित का कैरेक्टर लिखा, तो क्या उसके पीछे क्या थॉट था? इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स है ना, ये सब मेरे रियल लाइफ, सब आलिया के वर्जन है। हां एक्चुअली क्रेडिट टेकिंग कैमरा सो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सब रियल लाइफ से है मेरे, और ये फिल्म मैंने अपनी सिस्टर के साथ लिखा है, तो कोई हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, नहीं तुम नहीं हो, वो छोटी है, शर्मा भी बताओ, दोनों बहनें एक ही। आई थिंक हम दिल्ली में बड़े खुल के होली मनाते हैं, सो आई हैव ऑल माई मेमरीज ऑफ ग्रोइंग अप, मैं दिल्ली में कालका जी में बड़ा हुआ, एक जगह है जहाँ पर हमने बहुत ही देसी तरीके से होली खेली है, आई थिंक जो कि अब नहीं खेलते हैं लोग और जो कि नहीं खेलनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक तब वो जब हम छोटे थे तो हमने ज़रूर कुछ गलतियों में पानी फेंका है, कीचड़ों में लोगों को फेंका है, लेकिन अब जैसे आलिया कहती है ना, आलिया वर्ड, हम बड़े हो गए हैं और अब हम ये सब नहीं करते हैं, अब हम रिस्पॉन्सिबली होली खेलते हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, होली का जो पॉइंट है वो ये है कि आप संग परिवार विद योर फ्रेंड्स आप एक चीज़ सेलिब्रेट करें और एक टुगेदरनेस सेलिब्रेट करें, सो उसके लिए हमें ये पानी वानी कीचड़ एक दूसरे पे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम करल लगा के भी होली खेल सकते हैं। तो ये हम इस साल ऐसी होली खेलेंगे, मगर आई प्रोमिस यू कि ये भी हम एक बहुत जंगली तरीके से खेलेंगे। आलिया, आलिया ओवर टू यू। माइक पकड़ने में ऐसे छपटी मतलब, अरे ये भांग ज्यादा हो गई है दीदी की, भांग ज्यादा हो गई है, ये हिल रही है, झूम रही है। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हैप्पी होली टू एवरीबॉडी, और दिल जंगली 9 मार्च को जरूर देखें, मेरा तो होली के लिए यही है। आलिया की बेस्ट चीज है, आप इससे सवाल कुछ भी पूछो, ये बोलेगी दिल जंगली रिलीजिंग ऑन 9 मार्च, पूछ के देखो। आलिया कैसा था साकिब के साथ एक्सपीरियंस?
साकिब के साथ अच्छा था, जो आपको दिखेगा वो 9th मार्च को ही दिखेगा दिल जंगली में। कुछ भी पूछ लो अब आलिया का पास फोन आता तो हेलो नहीं बोलती, बोलती हाँ दिल जंगली 9th मार्च बताओ। आई थिंक ये सबसे यादगार होगी क्योंकि आई डोंट थिंक इससे पहले मेरी कोई पिक्चर होली पे रिलीज हुई है, सो आई थिंक दिस होली विल हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन माय लाइफ। यस और सेम एज मी, अभिलाष की तो पहली फिल्म है, पहली इससे पहले मेरी कोई फिल्म होली पर रिलीज नहीं हुई सर। नहीं इससे पहले आपकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई सर, जो आप पिक्चर कर रहे थे सारी बंद हो रही थी, ये पहली है रिलीज हो रही है। इट्स लाइक रिलीज ऑफ होली एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल माय फैंस द थ्री पीपल माय मम्मी पापा एंड दीदी इस बार दिल जंगली रिलीज हो रही है 9 मार्च को एंड आई थिंक I'd like to say everybody to like wish a happy Holi and go and watch Dil Jangli on 9th. सब बीबा बच्चा है ना मम्मी का बिल्कुल जो बाल ऐसे पकड़ के यूं। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें संतोष का जंगली पना दिखेगा आपको, मेरे पास वो है। भाई ये कौन सी वीडियो है? ये कौन सा वीडियो आउट हो रहा है? जो आपने भसूड़ी मचाई है सर, बता दूं आपको। और अभी ये जो तो गुड बॉय बन रहा है आपको पता चलेगा इस गुड बॉय के पीछे एक बैड बॉय भी फंसा है। कट 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 क्या रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग करना इमेज से क्लैश करेगा। So, आलिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आपकी पहली फिल्म थी, मूविंग फ्रॉम एज इन इट्स बीन यू बीन अ रेनाउंड एड फिल्म मेकर, दिस इज योर फर्स्ट फीचर और आपकी पहली फिल्म में इतने अच्छे एक्टर्स आपको मिल गए, तो ये तो आपके लिए अनबिलीवेबल होगा ना, तो इसके ऊपर कुछ आप थोड़ा सा आगे बताएं, तारीफें करें। आई वांट टू थैंक माय मदर फादर एंड माय फैमिली and the family, you know. I met all of them aur dil jangli 9th march ko aa rahi hai, are ye to inse to main mili thi, ab wapas bhi milungi ya nahi depending 9th march ko kya hota hai wo abhi dekhiye kyun jawab kya bata do mujhe main kab log rating ki tune di thi ki aankhe ye nikal ke to beta gaya group karke bahar nikalti hai aankhe do hai। देखिए इन्होंने ना बिकॉज हर नेम इज आलिया सेन, इन्होंने बचपन से लेकर आज तक बड़ी फिश खाई है, तो इनके ओमेगा 3 जो इनको मिला है ना उससे इनका दिमाग बड़ा शार्प हो गया है, तो इनके सामने आप कोई भी ऐसी ऐसी बात करते हो आंखें दिखा के खत्म कर देती है, जैसे अभी किया भैया को। अगर कैमरे को दिखाओ, दिखाना आगे, दिखाना अपनी पापी गुड़िया पिक्चर देखिए, अपने पापी गुड़िया उसमें गुड़िया होती है, गुड़िया होती है जो आंखें दिखाती है। दीदी आंखें नहीं की थी उसमें। यही हो रहा है हमारा सेलिब्रेशन, तो I think we want to celebrate it with everybody watching this video. We want to tell you that thank you firstly. आपने हमारी फिल्म को अभी तक इतना प्यार दिया है, बस एक हफ्ते की बात और है, we will share our baby with you. So we just our baby. This film is our baby, baby. Yeah, it's called our baby. ये इंग्लिश में थोड़े भैया कमजोर है, रोहिणी से हैं, दिल्ली से, तो इनकी गलती नहीं है। नहीं, ये कैरेक्टर में है, इनके कैरेक्टर को जो कोई गलत बोल दे तो ये कैरेक्टर में है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस सो मच लव। We want you to come and watch us on the 9th of March and I promise you, जो जंगली पना आपको अभी दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको फिल्म में दिखेगा। देखिए क्योंकि होली का दिन बड़ा गजब का होता है सर, करेक्ट, तो एक गजब का गाना है हमारे पास। आलिया को लगता है वो प्रकृति से अच्छा ये गाना गाती है, तो आलिया मैंने तो नहीं कहा कि मैं जुबिन से अच्छा गाता हूँ, बट आलिया ने उस दिन कहा कि मैं प्रकृति को टक्कर दे सकती हूँ, तो अब आलिया गाएगी। आलिया दीदी गाओ, गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, हम भी अकेले माता रानी का जागरण हो रहा है, पीछे तक आवाज जानी चाहिए, हाथ उठा के सारे आ, हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है जय माता की माता दी। देखिए आप अब और भी कुछ कहना बच गया है, 25 बार तो 9 मार्च ये बोल चुकी हैं, 25 बार से कम नहीं, तो अब आपको पता है दोस्तों आपको क्या करना है। और इस पिक्चर की खास बात ये है, ये दूर वाले सिनेमा घर में तो लग रही है, पास वाले में भी लग रही है,
तो हर जगह लग रही है, तो जाके बस 9 मार्च को आपको बोलना है कि भैया टिकटें दे दो, दिल जंगली की पिक्चर देखो, और फिर ट्वीट करके हमें बताओ आपको पिक्चर कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो आई एम सॉरी, अगर अच्छी लगी तो थैंक यू। और भाई हमारी वो वाली फिल्म है, कई फिल्में होती है ना, जब बचपन में कॉन्डम कार्ड आता था तो पापा भेजते थे बेटा पानी लेके आ जा, तो ये वो फिल्म नहीं है जिसे पापा पानी लेने के लिए भेज देंगे, फैमिली एंटरटेनमेंट बड़े मन से हमने बनाई। आप लोग चलो मैं बात कर रहा हूँ 2 मिनट के, तो बड़े मन से हमने बनाई है। It's like a entertaining film and you'll enjoy. I promise you. मेरी तरफ से जिनको प्यार, हाँ तुम लोग बाय, तो मेरी तरफ से जो कि ऑलरेडी प्यार में है वो तो देखें, और जो नहीं है तो आके सीख ले। हाँ सीखे भी, चलो उठा के इनको बाहर ले, चलो उठा लो, चलो। Thank you. Thank you, Lash.